गुड मॉर्निंग। आज हम ME 306 सब्जेक्ट से यूनिट 1 का टॉपिक ब्लेड सेटिंग ऑफ मेटल कटिंग सॉस के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। नाउ व्हाट इज ब्लेड सेटिंग? ब्लेड सेटिंग को टूथ सेट भी कहा जाता है। सॉ टूथ आर गिवन an offset to the side to produce cuts which are wider than thickness at the back of the blade. जो आरी के जो दाते हैं उनको offset साइड से offset दिया जाता है, मतलब मोड़ा जाता है, जिससे जो कट प्रोड्यूस हो वो ब्लेड की जो थिकनेस है उससे वाइडर हो। तो नाउ टूथ सेट की डेफिनेशन इज, इट रेफर्स टू हाउ द टीथ आर बेंड और ऑफसेट टू वन साइड और द अदर एंड द अमाउंट ऑफ द ऑफसेट। टूथ सेट का मतलब है कि जो ब्लेड के दाते हैं उनको बेंड करना ऑपोजिट डायरेक्शन में। टूथ सेट का को करने का पर्पस क्या है? टूथ सेट इज गिवन टू प्रोड्यूस वाइडर कट्स देन ब्लेड थिकनेस। टूथ सेट करने से जो कट है वो वाइडर होता है देन ब्लेड थिकनेस। दिस एनेबल्स द सॉ टू मूव फ्रीली विदाउट फ्रिक्शन, दस रिड्यूसिंग हीट जनरेटेड एंड ब्लेड विल नॉट क्लॉग। तो ऐसा करने से जो ब्लेड है वो इजीली मूव करती है कटिंग एक्शन के थ्रू, और जब इजीली मूव करेगी तो फ्रिक्शन कम होगा, और जब फ्रिक्शन कम होगा तो हीट जनरेट जो होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, और जो ब्लेड है वो मटेरियल में क्लॉग नहीं करेगी, मतलब फंसेगी नहीं। थर्ड पर्पस इज़ टू प्रोवाइड गुड चिप क्लियरेंस देन कटिंग द मेटल। जो चिप का जो क्लियरेंस है वो सही मिले और चिप्स ईजिली मूव हों। सो टूथ सेट ब्लेड में टूथ सेट देने का ये पर्पस है। नाउ दिस डायग्राम शोज अबाउट द टूथ सेट। ये बताया है कि जो ब्लेड है उसकी विड्थ इतनी है। अब हमने जब टूथ सेट किया, टूथ सेट का मतलब ब्लेड को हमने ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर दिया, तो जो बोला कि थिकनेस एट द बैक ऑफ द ब्लेड इज़ वाइडर, तो ये देखो ये ब्लेड विड्थ थी, ये आपको जो कट है वो इतना वाइडर मिल गया। इसको कर्व भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये है ब्लेड की विड्थ और ये गैप आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो दिस इज सेट। नेक्स्ट इज टूथ सेट टाइप्स। जो टूथ के सेट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो टूथ सेट आर ऑफ 3 टाइप्स, स्ट्रेट सेट, वेवी सेट, रेकर सेट। स्ट्रेट सेट, स्ट्रेट सेट को ऑल्टरनेट सेट भी कहा जाता है। अब व्हेन द टीथ आर बेंड ऑल्टरनेटिवली टू द राइट एंड लेफ्ट इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेट सेट। अगर ब्लेड के जो दाते हैं उनको एक दाते को तो राइट, उसके बाद वाले को लेफ्ट, फिर अगेन राइट, फिर लेफ्ट, अगेन राइट, अगेन लेफ्ट, अगर इस तरीके से बेंड किया जाता है तो उस टाइप को कहते हैं स्ट्रेट सेट टाइप। ये वाला जो स्ट्रेट सेट है दिस इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर नॉन फेरस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए स्ट्रेट सेट दिया जाता है। नेक्स्ट इज़ वेवी सेट। In this set of teeth are bent in one direction and then other set of teeth in opposite direction. इसमें एक दाते की जगह दांतों के सेट को बेंड किया जाता है। तो एक दाते का सेट तो एक डायरेक्शन में बेंड किया जाता है, दूसरा सेट उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड किया जाता है, अगेन थर्ड सेट फिर नेक्स्ट डायरेक्शन में, इस तरीके से वेवी सेट किया जाता है। This method is used for sawing thin sheets and sections, done for blades of fine grade. इस सेट को फाइन ग्रेड की ब्लेड्स में दिया जाता है और इस सेट को सर्कुलर सेट भी कहा जाता है।
Now next is Raker set. In this, one tooth is bent to the left, the next tooth to the right, and then third is kept straight. इस सेट में अगर पहले दाते को लेफ्ट बेंड किया है तो दूसरे को राइट बेंड करेंगे और तीसरे दाते को स्ट्रेट रखेंगे. देन अगेन लेफ्ट बेंड करेंगे, राइट बेंड करेंगे और स्ट्रेट रखेंगे. तो इस तरीके से इस फॉर्म को हम रिपीट करेंगे फॉर द होल लेंथ. और जो रेकर सेट है वो यूज़ किया जाता है फॉर कटिंग फेरस मेटल्स. नाउ दिस डायग्राम शोज़ द वेरियस टाइप ऑफ टूथ सेट. अब जैसे आपको डेफिनेशन में बताया था, जो स्ट्रेट टूथ सेट होता है उसमें ये एक दाते को अगर लेफ्ट बेंड किया है तो दूसरे को राइट किया है, फिर लेफ्ट किया है, फिर राइट किया है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड करते जाते हैं फॉर द होल लेंथ. जो वेव टूथ सेट है उसमें मैंने आपको बताया था अ सेट ऑफ टूथ इज बेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो सपोज़ ये तीन दांतों का सेट ले लिया है, तो पहले अगर इसको लेफ़्ट में बेंड किया है तो फिर जो नेक्स्ट थ्री दांते का सेट है उसको हम राइट में बेंड करेंगे, फिर अगेन थ्री दांतों के सेट को लेफ़्ट में बेंड करेंगे, देन राइट में बेंड करेंगे, और ये रिपीट करेंगे फॉर द होल लेंथ. जो रेकर सेट है उसमें मैंने आपको बताया कि एक दाँता लेफ़्ट फिर राइट फिर स्ट्रेट रखा जाता है. तो डायग्राम में देखिए, पहले दाँते को अगर लेफ़्ट बेंड कर दिया तो दूसरे को राइट बेंड किया है, फिर स्ट्रेट रख दिया, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर स्ट्रेट. इस तरीके से टूथ सेट ब्लेड में दिए जाते हैं. आई होप सबको समझ में आया होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्लेड सेटिंग. थैंक यू.